भाई वो गिरेगा तो मरेगा नहीं आज कचम। एंड नहीं, चारिज़ार्ड इज़ हियर, ये एंट्री होती है ना हीरो की। हे अगर पॉकीमन के अंदर थोड़ी और वायलेंस रहती या फिर थोड़ी और पॉकीमन को मैच्योर बनाया जाता तो के पॉकीमन में बहुत ही मैसिव चेंजेस आते। तो आज के इस फैन मेड ट्रेलर के अंदर हम लोग यही फिगर आउट करने वाले हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, स्टार्टिंग में बहुत ही एपिक फाइट हो गई। 90s था आई गेस, यस 90s वर्सेस वीनस और वेट became the very best. Ash Ketchum बहुत ही बढ़िया बन गया। क्या वो पॉकेट मास्टर बन गया क्या? लेकिन ये क्या है? Wait, what? Pikachu मर चुका है। Seriously. We collect suffering in empty vessels. We catch them and force them to fight. तो यहाँ पे एश केचम का ऐसा कहना है कि पॉकेमॉन को फोर्सफुली फाइट करने के लिए हम लोग चैलेंज करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये हम लोग रोक सकते हैं। कैसा हो पाएगा? प्रोफेसर ओक का कहना है कि कुछ चेंज तुम नहीं कर सकते। वेट व्हाट, यहाँ पे मैजिक अब एक 90s को मार सकती है। वेट, ये हुई ना हीरो वाली बात। आज का जब कैसे कहना, अगर मैं पिकाचू को ना बचा पाया तो मैं पूरी दुनिया को बचाऊंगा। हे गो सम मार्क्समैन, या ये बात आज का जब। ऑलराइट भाई, पॉकीमॉन में अगर रियलिटी देखा जाए तो मेरे ख्याल से हाँ कुछ ऐसे ही होता होगा। अब यहाँ पे एश केचम तो एक और अपने सफर पे निकल चुका है जीवानी को डिफीट करने के लिए। द फाइनल बैटल बिगिंस नाउ। वेट, ये कौन सी, अब किसकी आर्क दिखाई जाएगी? ये वन पीस ऐसा पूरा लग रहा था, लेकिन हाँ एश केचम आ चुका है अपना। वेट, अभी ये कहाँ पे घुसा है? जीवानी की बस? आई गेस सो। भाई वो गिरेगा तो मरेगा नहीं एश केचम। एंड नहीं, चारिज़ार्ड इज़ हियर, ये एंट्री होती है ना हीरो की, ऐसी एंट्री होनी चाहिए। ओके ऑलराइट, अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या, एक एपिक फाइट होने वाली है। कौन सा पॉकेमॉन आज निकालेगा? स्कोर्डल। यहाँ पे तो आज के जब डिफीट कर देगा मेरे ख्याल से, पर नहीं, प्राइमेव को मार दिया किसी ने। ऑलराइट, हे गोस अ चाइजर्ड। चाइजर्ड एक्चुअली तहलका मचाने वाला है। एंड या ही इज किंग, ही इज एक्चुअली किंग। क्या यहाँ पे मिस्टी का आर्क होगा? क्या आज ने मिस्टी से शादी कर ली? इस ट्रेलर के अंदर एक्चुअली ऐसा। ओके, सो एश केचम का ऐसा मोटिव है कि पूरी पॉकीमॉन की बैटल को रोक दे, जिम्स को भी क्लोज करके। जीवानी तो और डार्क है। एंड ये क्या हम लोग की वही पुरानी टीम रॉकेट है? यस, बट दे आर क्रीपियर, दे आर एक्सट्रीमली क्रीपियर। मिस्टी ना, इस मिस्टी, आई गेस सो, हाँ ये मिस्टी ही होगी। ओहो, साइडक तो अपने साइकिक पावर से यहाँ पे झाड़ू पोछा मार रहा है, लेकिन नहीं, वॉयलेंस तो यहाँ पे हो गई। बट वेट व्हाट, प्रोफेसर ओक कैसे कहना है कि एश केचम को सब इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज एश केचम फैशनेबल है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते वो लोग एश केचम को क्यों फॉलो कर रहे हैं। ओके, क्या ये रियल कैंडी है? लेकिन आलबॉक को क्यों मिस्टी, आलबॉक को क्यों? वेट, ओ आई गॉट इट, क्या वो गैडोस बनेगा? क्या वो बनेगा? एंड यस यस वो बना। ये बात ना, ये आग बहुत सी लगी मुझे। यहाँ पे एश केचम आई थिंक बिल्कुल अकेला पड़ चुका है बिकॉज उसके दोस्त भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे अभी फिलहाल। तो म्यूटू, सीरियसली? यस, हाँ म्यूटू बाहर आएगा तो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड कैसा होगा? या जैसे कि मैं बोला था, ह्यूमैनिटी इज अ कैंसर, लेकिन कैसा है? वी होप नॉट टू सी यू अगेन। बहुत ही सैवेज है यहाँ पे नर्स जॉय। तो एश केचम ने अपनी लाइफ बिल्कुल यहाँ सैक्रीफाइस करने पे ले आई है, लेकिन मॉल्ट्रेस, ओके तो लेजेंडरी पॉकीमॉन आर हेल्पिंग एश केचम राइट नाउ। वन मोर थिंग, डज एश केचम नो दैट पिकाचू इज स्टिल अलाइव? वॉल्ट, पिकाचू इज स्टिल अलाइव। तो स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया था कि पिकाचू मतलब मर चुका है, लेकिन एंडिंग में म्यूटू ने हम लोगों को ऐसा बोला कि पिकाचू नहीं मरा है, पिकाचू अभी भी जिंदा है। तो बेसिकली इस ट्रेलर का मतलब ये था कि पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर कितनी वॉयलेंस है इसको दिखाया जाए। एंड तुम लोग बस सोचो, अगर रियलिटी में पॉकीमॉन आ जाए तो जैसा हम लोगों ने इस ट्रेलर में देखा है कुछ वैसा ही होगा। जैसा हम लोग एनिमे या गेम्स में देखते हैं वैसा एक्चुअली नहीं होगा, बिकॉज एनिमे एंड गेम्स के अंदर उतनी वॉयलेंस दिखाई जाती है, वॉयलेंस वाली पार्ट को भाई इंक्लूड ही नहीं किया जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता। एंड ये एक्चुअली पॉकीमॉन वर्ल्ड का सच है। तो बेसिकली ये चीज ऑफ कोर्स यहाँ पे एश केचम के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी, एंड वैसे करने भी चाहिए था। सो या अपने ओपिनियंस बताना तुम लोग इस ट्रेलर के बारे में मुझे कमेंट्स में। एंड या अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।